राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसे अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको संभाल कर रखने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी यहाँ नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे तुम्हारा संदेश कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है।
इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां से उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, इस व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बहुत मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊं लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रित प्रसन्न होवे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा।
तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगवा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण की हो जाते तो लौटते समय उनको बिन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया, तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ सम्पन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण
देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात एक कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव वार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति वार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बुलावे तथा आग भी न जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़े जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवा कर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसे साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसके दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के है, तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ
ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा भी पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बहुत दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे राजन, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ न कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना और श्रद्धा से भगवान जी का पूजन व व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। इति बृहस्पति वार की कथा समाप्त। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी प्रभु, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे, प्रभु जो जन शरण परे। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, प्रभु सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।